नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है टॉर्च बीरर्स, मसाल ले जाने वाले। रिटन बाय W.M. रिबर्न। इनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1812 ईस्वी में हुई। तो इस लेसन में, इस पाठ में, यहाँ W.M. रिबर्न बता रहे हैं कि किस तरह का नेचर, किस तरह का व्यवहार, किस तरह की प्रकृति किसी देश के नागरिकों की होनी चाहिए यदि वह देश उन्नति करना चाहता है। तो अबाउट द लेसन देख लीजिए। वंस ए मर्चेंट हैड टॉयल्ड हार्ड एंड हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी ने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत करके बहुत अधिक मात्रा में धन इकट्ठा कर लिया, कमा लिया। ही वॉन्टेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। और वह इस सारे धन को अपने पुत्रों में से उस पुत्र को देना चाहता था जो दो में से सबसे अधिक चतुर अपने आप को साबित कर दे, क्योंकि दो ही उसके पुत्र थे। सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाई गिविंग देम ए टेस्ट। इसलिए उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए उन दोनों लड़कों का टेस्ट लेना चाहा, कि टेस्ट लेकर के, परीक्षण लेकर के, उनकी परीक्षा लेकर के इस समस्या को सुलझा लें। इन द टेस्ट द यंगर सन वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। और परीक्षा में जो छोटा वाला लड़का था वो खरा उतरा, यानी उसने अपने आप को बुद्धिमान साबित कर दिया। इन दिस वे वी कैन से दैट एज डज नॉट मेक वन ग्रेट बट इट इज़ विजडम दैट मेक्स वन ग्रेट। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उम्र किसी को महान नहीं बनाती है, बल्कि बुद्धिमत्ता हर व्यक्ति को महान बनाती है, किसी को महान बनाती है। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर अवर एवरी एक्शन। इसलिए हम अपने प्रत्येक काम के पहले, प्रत्येक काम को करने के पहले थोड़ा सोच विचार जरूर लें। इट इज़ अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्व ए गुड सिटीजन। अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाना यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्व फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। वास्तव में हमें अपने आप को अच्छी नागरिकता के गुणों में और फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री और अपने देश की सेवा के लिए ट्रेंड करना है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें इस भाग की शुरुआत करनी है। और जैसा कि आपने अबाउट द लेसन में अभी जाना कि एक व्यापारी एक व्यक्ति था और उसके दो लड़के थे, उनकी कहानी है किस तरह से वो अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे को सौंपता है और किस तरह से उन दोनों लड़कों का बुद्धि परीक्षण करता है। तो देखिए, पहला भाग इसका शुरुआत कर रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। एक समय की बात है, मैनी सेंचुरीज अगो, कई सैकड़ों साल पहले, कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल हार्ड। उसने अपने सारे जीवन बहुत ही कठिन मेहनत की थी, बाइंग एंड सेलिंग, खरीद फरोख्त में, क्रय विक्रय में, विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी। और परिणाम स्वरूप हुआ यह कि उसने बहुत अधिक धन कमा लिया था। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे समय गुजरा, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, वह धनी और धनी होता चला गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसको ये महसूस हुआ कि वह अब इस संसार में और अधिक दिनों तक नहीं जीवित रहेगा।
He began to wonder what he should do with his money. तो यह सोचना प्रारंभ कर दिया उसने कि वह इतने सारे धन का क्या करे. Now he had two sons. अब देखिए इसमें बताया गया कहानी में कि उसके दो लड़के थे. Now he had two sons. उसके दो लड़के थे. He made up his mind that he would not divide his money between them. उसने अपने मस्तिष्क में यह तय कर लिया कि वह इस धन को अपने दोनों बेटों में नहीं बांटेगा. But that he would give it all to the one who proved himself to be the cleverer of the two. और इसके विपरीत उसने यह सोचा कि वह अपना सारा धन उसी व्यक्ति को देगा, उसी लड़के को देगा जो अपने आप को दोनों में से अधिक चतुर साबित कर देगा, होशियार साबित कर देगा, बुद्धिमान साबित कर देगा. द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड वाज दैट फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवरर. लेकिन ये समस्या ये थी कि ये अभी समस्या ये हल करनी थी कि कैसे पता किया जाए कि उसके दोनों पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था. दोनों पुत्रों में बुद्धिमान कौन था, ज़्यादा बुद्धिमान कौन था. He decided to solve this problem by giving them a test. उसने इस समस्या को हल करने के लिए एक परीक्षा ली, या उसने उस व्यापारी ने इस परीक्षा को हल करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए एक परीक्षा ली उन दोनों की, या एक परीक्षा लेकर के इस समस्या का हल करने का निश्चय किया उसने. कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम. दोनों लड़कों को, युवकों को बुलाया और उसने उनसे कहा, हियर आर टू रुपीज, यहाँ 2 रुपए हैं. आई वांट यू टू टेक 1 रुपी ईच. मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक 1 रुपया ले ले. एंड देन टू गो आउट सेपरेटली, और तब तुम दोनों अलग अलग जाओ. एंड बाय समथिंग, और ऐसी चीज़ खरीदो विच विल फिल दिस हाउस, कि जो इस घर को भर दे. यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, तुम्हें 1 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है. तो दोस्तों ये था इस लेसन का पहला भाग. आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको इस लेसन का जो पहला भाग है इसका व्याख्यान कैसा लगा, इसका अनुवाद कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बने रहिए हमारे साथ. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, वंदे मातरम.